मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से। बैंक में पैसा जमा करने जा रहे पुजारी को अज्ञात बदमाशों ने जबरन बाइक पर बैठाया और मारपीट कर छीने 39,020 रुपए। घटना नगर के व्यस्त हरिगंज रोड पर बसपा नेता जगजीवन अहिरवार के घर के सामने गुरुवार दोपहर की है। पीड़ित की अगर माने तो बदमाशों ने जबरन बाइक पर बैठाया और चाकू मारकर घायल को यमुना पुल के पास फेंक कर हुए फरार। पीड़ित पुजारी जमुनादास पुत्र रामदास निवासी मोहल्ला महमूदपुरा पीलाघाट कालपी ने कोतवाली कालपी में दी तहरीर। सूचना मिलने पर कोतवाली कालपी पुलिस आई एक्शन में, आरोपी की तलाश में दबिश जारी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं जालौन से, जालौन मेट्रो पर, जहां बैंक में पैसे जमा करने जा रहे एक पुजारी को अज्ञात बदमाशों ने जबरन बाइक पर बैठा लिया और मारपीट कर उनसे 49,020 रुपए छीन लिए गए हैं। आपको बता दें कि यदि पीड़ित की माने तो बदमाशों ने जबरन बाइक पर बैठाया और चाकू मारकर घायल को यमुना पुल के पास फेंक कर फरार हो गए। घटना नगर के व्यस्त हरिगंज रोड पर बसपा नेता जगजीवन अहिरवार के घर के सामने गुरुवार की दोपहर की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर कोतवाली कालपी पुलिस एक्शन में आई और आरोपी की तलाश में दबिश जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं देवेश स्वर्णकार जी। जी देवेश जी, क्या जानकारी मिल रही है, क्या है आखिर पूरा मामला? इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के कालपी नगर क्षेत्र के जुलैटी के पास का है, जहां पर एक जमुनादास जी हैं, पुजारी जी हैं, वो अपने घर से बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ पैसे जमा करने जा रहे थे। उनका कहना है कि जमुनादास जी का कहना ये कि वो कुछ ही देर आगे निकले थे कि एक बाइक पर कुछ लोग दो लड़के से आए और उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा बैंक जा रहे हैं, तो बोले बैठो हम आगे छोड़ देते हैं। उसके बाद जमुनादास का के मुताबिक, यानी अगर जमुनादास की माने तो वो बाइक सवार उनको बैंक के रास्ते न ले जाकर पुल के पास तक ले गए और वहाँ पर उन्होंने उसको चाकू लगाकर उनके 49,020 रुपए जो वो जमा करने के लिए बैंक में जा रहे थे वो छीन लिए हैं। जमुनादास की अगर माने तो उनका आरोप यह भी है कि जो बाइक सवार थे उन्होंने जबरदस्ती पहले तो मारा पीटा, साथ ही चाकू लगाया और चाकू लगाकर वो जो है उनके पैसे छीन के भागे हैं और उनको धक्का देकर चले गए हैं। इस पूरे पकड़ की जानकारी जमुनादास ने थाने कोतवाली में आकर दी है और मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी एक्शन में आई है और उनके निशानदेही के आधार पर, यानी उनकी जो उन्होंने तहरीर दी है या उन्होंने जो जानकारी दी है उसके आधार पर जो है जो आरोपी बाइक सवार हैं या जो एक्सक्यूज हैं उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम जमुनादास पुजारी कहते हैं जी। हम बैंक ऑफ बड़ौदा जा रहे थे जुलैठी जी। 49,020 रुपए थे जी। तो एक बैंक आई और उसने जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया जी। तो हमें कहाँ ले आ रहे, बोलते बैठ जा, बैठाएंगे पुल के उस पार ले आ गया जी। वहाँ मारने लगा, चाकू लगा दी, फट फाड़ दिया, रुपये निकाल लिए जी। मतलब क्या बजे घटना ही है घटी? 12:15 बजे की बात है। अच्छा, मतलब जब आपके साथ घटना घटी कोई हल्ला हो हल्ला कोई आपके साथ आया? कोई नहीं था वहाँ, उसमें कोई नहीं था, कोई सफल भी नहीं था। अच्छा, लगभग कितने रुपये आते हैं आपके? 49,020 रुपये। अच्छा, कहाँ कहाँ का मामला ये? जी है जीवन के घर के ठीक सामने। सर, अभी कालपी कोतवाली के मोहल्ला हरिगंज में मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला? ये मामला है, जो पीड़ित है उसने ये सूचना दी थी कि उसके साथ कोई घटना कारित हुई है। हमने जांच करी तो पता चला कि ये पीड़ित खुद दो मोटरसाइकिलों के साथ बालों के साथ खुद बैठा था और उन मोटरसाइकिल वालों ने इसका जो संज्ञान में आ रहा है कि इसकी जेब काट के इसके पैसे निकाले हैं। ना इसके कोई शरीर पर चाकू मारा है, ना इसको जबरदस्ती बाइक पे बैठाया है, ना ही इसके साथ कोई लूट गई। कितने रुपए की टप्पेबाजी इसके साथ में हुई? करीब 49,000 या 50,000 के आसपास की इसके साथ टप्पेबाजी हुई है। अभी कोई सीसीटीवी फुटेज इसका मिला है, सामने आया है? हाँ, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसकी हम जाँच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल कोई लूट की घटना, कोई अपहरण की घटना, कोई चाकू मारने की घटना नहीं कारित हुई है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।